हाय एवरीवन, हमारे पास पोलो फॉर्म का एक क्वेश्चन है कन्वर्ट जेड इक्वल टू आई इंटू पोलो फॉर्म। तो जेड इक्वल टू आई को पोलो फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जेड इक्वल टू आई है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को दिखा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू जीरो प्लस आई। तो इस तरह से रियल पार्ट मिला और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल गया। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यही हमारा पोलर फॉर्म दिखाने का जो तरीका है यही होगा। तो अब इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो होती है R इक्वल टू मॉड जेड। तो R की वैल्यू मॉड जेड के इक्वल है और मॉड जेड जानते हैं हम वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू जीरो है और b की वैल्यू वन है। तो वैल्यू पुट करते हैं रूट जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट वन। तो ये हो जाएगा रूट के बाहर निकलेगा तो वन हो जाएगा। तो इस तरह से आर की वैल्यू मॉड जेड की इक्वल है और वाई वन। अब हमको थीटा की वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा हम जानते हैं होता है मॉड बी बाई ए। तो बी की वैल्यू वन है और ए की वैल्यू जीरो है, तो उसको पुट करते हैं वन अपॉन जीरो। तो ए हो जाएगा इन्फिनिटिव, वन अपॉन जीरो का वैल्यू इन्फिनिटिव के इक्वल होता है। तो टेन थीटा आया हमारा इन्फिनिटिव। तो हमको पता है कि टेन पाई बाई टू पे इन्फिनिटिव होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई टू। अब थीटा की वैल्यू जो पाई बाई टू मिली है वो हम पोलो फॉर्म में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं उसको देखते हैं। तो हमको पता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट भी प्लस में है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में है। तो हमको पता है यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों प्लस होते हैं। तो यहाँ से हमको यह मिला कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू मिली है उसको वही पुट कर देंगे। तो हो जाएगा जेड इक्वल टू, इसमें पुट करते हैं आर की वैल्यू वन और हो जाएगा कॉस वन इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। तो जेड इक्वल टू आई को पोलो फॉर्म में दिखाने का जो तरीका है वो है कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। तो इसमें हमको बस यही करना है कि पहले आर की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद थीटा का वैल्यू टेन थीटा के थ्रू निकाल लेंगे और उसको चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद हम पोलो फॉर्म को जो तरीका है ये आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा पोलो फॉर्म आ जाएगा।